नमस्कार। पिछले वीडियो में हम कुष्ठ रोगी पर हम वीडियो बनाए थे, जिस पर बहुत ज़्यादा व्यू मिला और वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया। कुष्ठ रोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह शामिल है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा इसको पूरे जड़ से ख़त्म करने के लिए तरह तरह का प्लान बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत बहुत सारे रोगी एलोपैथिक चिकित्सा एक साल से करा रहे हैं, उसके बाद भी उनका फ़ोन आते रहता है, व्हाट्सएप आते रहता है, सर हमने सरकारी दवा एक साल से ऊपर हम खाए लेकिन मेरा कुष्ठ रोग में सुधार नहीं हो रहा है, आराम नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक एक अलग चिकित्सा पद्धति है और अलग तरह का इस सब बीमारियों में अपनी पहचान बनाए है, ये बहुत सारे लोग जान रहे हैं। बड़े बड़े सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अच्छे अच्छे लोग संसद में बहस करते हुए आप लोगों ने देखा है कि कुष्ठ रोग हो या अन्य असाध बीमारी हो, वो इस बात को मान चुके हैं कि होम्योपैथिक में असाध बीमारियों का बहुत ही आसान उपाय है, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। हमने हाइड्रोकोटाइल दवा के बारे में आप लोगों को बताया था कि होम्योपैथिक में बहुत चर्चित दवा है। हमारे फादर के समय से ही वो भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे और हमारे ज़माने में भी हाइड्रोकोटाइल बहुत लोगों को आसानी से ये बीमारी ठीक करता है और आज हम लोग अधिकतर इस हाइड्रोकोटाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोकोटाइल दवा दे देने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये बहुत लोगों को ये अच्छा सूट करता है दवा, और हम देखते हैं कि असाध समझे जाने वाले घाव ये आसानी से ठीक कर देता है। इसके बाद भी बहुत सारे चिकित्सक का बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक इस दवा को चलानी पड़ती है। अगर शुरुआती दौर में आपको ये पकड़ में आ जाए तो मात्र 15 दिन से एक माह में ये बीमारी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उतने शुरुआती दौर में कोई दिखाता नहीं है और धीरे धीरे बीमारी ये बढ़ते जाता है। कुष्ठ रोग, इसका पहचान बिल्कुल अलग है। यदि चमड़ा मोटा दिखाई दे, और हाथ ऐसे ऐसे टेढ़े हो जाए और आपके जितने भी नेल हैं, नख हैं, धीरे धीरे सड़ने लगे और पैर और हाथ का उंगली खींचा होने लगे, इस ढंग से होने लगे, आप प्रथम निशान है कि सुन होगा। यदि आपको सुन है चमड़ा और पिन वहाँ हलाने से, चींटी काटने से या किसी तरह का पेन से, नुकीले चीज़ों से, सुई से वहाँ पर आपको हलाने से, टच करने से, इंजेक्ट करने से आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई पिन चुभा रहा है। हम आसान शब्द में कहते हैं, बहुत सारे रोगियों से मिलने के बाद में, बहुत सारा रोगियों को देखने के बाद में अन्य चमड़े के जितने बीमारी हैं, सफ़ेद दाग हैं या खुजली है, ये सब छोटे बड़े बच्चे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है, ये सबको होता है। हम अपने अनुभव में देखे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो खान पान का शौकीन नहीं है, कुछ भी भरण पोषण करने के लिए खा लेते हैं, पौष्टिक चीज़, हेल्दी चीज़ नहीं खाते हैं, हमारे समय से गरीब लोगों को शायद ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। हम बड़े जो खाने पीने में हर तरह से संपन्न हैं, उनको हम कुष्ठ रोग बहुत कम देख रहे हैं। सफ़ेद दाग ये किसी को हो जाता है, कितनों आपका सम्भ्रांत परिवार हो, आप कितनों धनी हो, हम ऐसे लोगों को भी सफ़ेद दाग होते हुए देखे हैं। लेकिन आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें
कुष्ठ रोग होने में शायद निर्धनता या गरीब होना भी एक इसमें मेन वजह हो सकता है, इसका मुख्य फैक्टर हो सकता है। इसलिए गरीब लोग जो भी हैं, जो भी माताएं बहनें गरीब हैं, जो भाई हमारे गरीब तबके के हैं, थोड़ा सा उनको खाना और आपको हेल्दी खाना जिसमें मिनरल है, दाल भात प्रोटीन की मात्रा, दूध दही, ये सब फल फ्रूट्स को थोड़ा सा आप अवश्य शामिल करनी चाहिए आप लोगों को। इससे कुष्ठ रोग सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी स्किन का बीमारी, चमड़े से संबंधित बीमारी जब होगा तो लैक ऑफ विटामिन डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी यानी विटामिन सी के कमी की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन आंवला में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, फल फ्रूट्स में भी पाया जाता है। तो आप चमड़े के बीमारी से बचने के लिए आपको हेल्दी खाना खानी चाहिए और इसके पर थोड़ा सा आपको फोकस होनी चाहिए। बहुत सारे गरीब माँ बहने को ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें कौन सी खाना, किस प्रकार की खाना इस बीमारी में खानी चाहिए। तो आप लोगों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि अपने पहले खान पान को सुधारें। यदि आपको सरकारी दवा लेने के बाद में भी यदि आपको ठीक नहीं होता है, आप हर तरह से थक हार गए हैं और विभिन्न तरह के चिकित्सा कराए हैं, अच्छे अच्छे चिकित्सक से दिखाने के बाद भी यदि आपका कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको GSMP क्लिनिक एंड न्यूज एक चांस देगा। आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करनी चाहिए। आपको यदि मेरे संपर्क नंबर व्हाट्सएप नंबर का यदि ज़रूरत है तो आप 9801757533 यानी 980-1757-533 पर कोई भी कुष्ठ रोगी हो जिनका चमड़ा सुन हो रहा है, वहाँ किसी तरह से काटने से, पिन हलाने से या किसी तरह से टच करने से वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आप क्लियर कट बात आप समझिए कि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोग का इन्फेक्शन हो गया है। आपको इसमें सबसे पहले जैसे ही आपको मालूम चले, इसमें आपने खान पान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करने की कोशिश करनी चाहिए, साफ सफाई पर भी उतना ही ध्यान देनी चाहिए, रहन सहन को ठीक करनी चाहिए, ज़्यादा मिट्टी से लगाव हो, साफ सुथरे बिछावन होनी चाहिए, थोड़ा इसमें स्किन का केयर होनी चाहिए और आपको स्नान ध्यान टाइम से होनी चाहिए और अच्छे तेलों का भी इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर जिन लोगों को कुष्ठ रोग है, ये हाइड्रोकोटाइल 2 बूंद दिन में 3 बार किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये हाइड्रोकोटाइल आपको लिखा रहेगा SCIT का, आपको होम्योपैथिक स्टोर पर आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा भी शक नहीं होनी चाहिए और 30 नहीं मिले तो 200 1 ml का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मदर टिंचर का भी प्रयोग कर सकते हैं। कि आपके आसपास में बहुत अच्छे अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक लोग होंगे, आप किसी से इस दवा के बारे में आप जानिए। अगर नहीं जानते हैं तो उनसे बोलिए, डॉक्टर साहब थोड़ा इस दवा के बारे में आप जानिए, यदि आपको ये दवा है तो आप चलाइए, इसके साथ भी कोई दवा जोड़नी है तो आप ऐड करके दीजिए और ये दवा आपके साथ में चलेगा। और भी जो भी आपके लक्षण जो भी होगा, ये नहीं, होम्योपैथिक दवा सिम्टम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हाइड्रोकोटाइल से ही सारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, बल्कि अन्य दवाओं को भी ज़रूरत पड़ सकता है। अब बिना डॉक्टर को दिखाए आपको क्या उसमें हो रहा है, दिक्कत क्या है, आपको सारा हिस्ट्री आपको लेनी पड़ती है। हर सारा हिस्ट्री लेने के बाद में वो आपको डॉक्टर अच्छे अगर होंगे
तो आपका सही सही दवा यदि चुनाव कर देते हैं तो कुष्ठ रोग छूमंतर हो जाएगा, जो अन्य चिकित्सा पद्धति के लिए एलोपैथ के लिए अन्य चिकित्सा पद्धति के लिए असाध्य बना हुआ है, होम्योपैथ में बिल्कुल ही इसका आसान तरीका से आप ठीक कर सकते हैं। आप फिर से इसको देखिए, हाइड्रोकोटाइल ये दवा के बारे में आप डिस्कस कीजिए अपने नज़दीक के कोई भी डॉक्टर से। यदि आपका नज़दीक का कोई डॉक्टर होम्योपैथिक नहीं मिल रहे हैं, दवा उपलब्ध नहीं है, आप ऐसे एरिया में हैं जो इसे आप समझ नहीं रहे हैं, अथवा आपको हम संतुष्टि के लिए आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हमने पिछले बार बताया है अभी इस वीडियो में फिर एक बार हम सुना रहे हैं, 9801757533 यानी 9807755533 पर कोई भी मेरे भाई बहन को, कोई भी किसी भी व्यक्ति को हो तो आप इस पर संपर्क करके अपने कष्ट का हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको कुष्ठ रोग से जल्दी मुक्ति मिले, नहीं तो आपका पूरा शरीर नख गिर जाता है सारा, और पांव का सारा नख गिर जाता है, और इसमें नख गिर जाता है फिर आपका उंगली भी इसमें गिर जाता है, उंगली भी एक बार सर कर ख़त्म हो जाता है, हाथ की सारी उंगलियां ख़त्म हो जाएगी। इसकी पहचान है आप रेलवे स्टेशन पर जंक्शन पर ऐसे रोगियों को आप भीख मांगते देखे होंगे, संयोग से उन लोगों का दिमाग उतना नहीं चल पाता है, दिखाए तो बहुत जगह होंगे लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला होगा। बहुत सारे लोग बीमारी छुपाते हैं, कृपया आप बीमारी छुपाइए नहीं, क्योंकि आपका चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज इस बीमारी को चाहता है कि जड़ से आपका ख़त्म हो, एक खुशहाल जिंदगी आप जीवित रहें। यदि आपको हार्ट अटैक जैसे कोई बीमारी रहता तभी हम इतना डिस्कस करने इस बीमारी पर हम नहीं जाते, लेकिन ये भयावह बीमारी जो होती है ये बहुत खतरनाक तरीका से, बहुत ही निर्दयी तरीका से लोगों को अपाहिज करती है, और समाज में वो लोग भीख मांगने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए भीख मांगना। भगवान न करे कि किसी भी व्यक्ति को भीख मांगनी पड़े अपने स्वास्थ्य के चलते। यदि बेचारे का यदि हाथ का उंगली पांव का उंगली ख़त्म हो गया तो काम भी कोई नहीं कर सकते हैं, उन्हें भीख मांगने के सिवा और दुनिया में कोई रास्ता भी नहीं बचता है। कोई व्यक्ति होगा उन्हें कोई आप चाहेंगे कि कोई हम जॉब करें या कोई बिजनेस करें तो उन लोगों के हाथ से कोई खाना भी नहीं चाहता है, लेना भी नहीं चाहता है, ग्राहक भी उनका कोई नहीं बन पाएगा, वो हार पाच कर उनको समाज से घर से निकाल दिया जाता है। और कुष्ठ रोगी भी है आसानी से बाद में जो समझते हैं कि रहने के बाद मुझसे न कोई बात करना चाहता है न मिलना चाहता है, इसलिए वो सोचते हैं कि क्यों न हम घर को छोड़ दें, और स्वाभाविक रूप से बीमारी के चलते छोड़ के वो एकांत हो जाते हैं, और रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड में और तरह तरह जगह पर वो भीख मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करे तो कहीं पर भी आपको यदि कोई भी व्यक्ति यदि अपने सुन बहरी बताता है, चमड़ा सुन बनाता है, कहीं भी ये सब लग सकता है, हाथ पांव अन्य किसी जगह पर पेट छाती वहां पर जैसे ही आपको सुन दिखाई दे और वहां का कलर थोड़ा सा डिसकलर व्हाइट दिखाई दे तो तुरंत आपको इस किसी भी अच्छे चिकित्सक से आपको दिखानी चाहिए। उसमें भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सकों का रोल किसी भगवान से कम नहीं होगा, वो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये कुष्ठ रोग सुनबहरी होम्योपैथिक चिकित्सक से दिखाने के बाद में, होम्योपैथिक चिकित्सक से आने के बाद में यदि आपको ऊपर वाला का कृपा आप पर अगर होगी तो अवश्य आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जड़ से। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कुष्ठ रोग को निवारण करने में
ठीक होने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है तो मेरा चैनल पर आप जरूर संपर्क करें मेरे चैनल से। थैंक यू वेरी मच। ओके।